राम राम, नमस्ते जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम चौबीसीय क्षेत्र के मोखरा गांव से, और मोखरा गांव में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बड़ा हुजूम लगातार वोट मांगने के लिए निकला हुआ है, और हाथों में जिनके बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर गांव मदीना का नाम लिखा हुआ है। अब मदीना गांव के लोग बलराज कुंडू के लिए वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं, ऐसी क्या खास बात है, वो क्या कहना चाहते हैं और किस लिए ये अपील कर रहे हैं कि गांव मोखरा के अंदर और मदीना जो उनका गुहांडला गया है उस गांव में बलराज कुंडू के लिए वोट की अपील कर रहे हैं? राम राम ताऊ। राम राम भाई। यह पूरा मदीना गांव उठ के आ गया, एक भी आदमी बाहर का नहीं है। अच्छा, सब अपनी आईडी ले रहे हैं और बलराज कुंडू खतरा रहे हैं। नहीं मतलब खासियत क्या, आपके गांव का भी एक विधायक है, पूर्व विधायक और उसका बेटा तो फैल हो लिया। अच्छा हाँ, कुंडू पर धगा। कुंडू की क्या खासियत नजर आ? कुंडू की बस चला रहे की भाई सेवा करे, लोग सारे काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये जो प्रति काटे रहता प्यार जब। अच्छा आता हूँ। गौशाला में दान करे है। अच्छा। छोरिया ने पढ़ावे है। अच्छा। गरीबा ने मदद दे है खूब, इसे दिल्ली की। कौन सा गांव है? मोखरा। मैं मोखरा का। अच्छा, तू मोखरे का है? मोखरे ने भी नहीं उगे बाली थी समर्थन दे रहे ना कच ना बाली बुल्ली का सरदार। आपका गांव कौन सा भाई? मदीना। मदीना एक मिनट भाई, कौन सा गांव है? मोखरा गांव है भाई। मोखरा गांव है। मैं यह तो पूछना चाहूँ था, जो करता हूँ ना तू नाटे है। हाँ, समर्थन नहीं कर रहे बाली थी? ना 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 ना। अच्छा, तो किसको समर्थन कर रहे हो आप? बलराज कुंडू को। बलराज कुंडू को क्या खासियत नजर आ रही है? खासियत है, खासियत है मत हो बताओ। साधारण आदमी ना तो पावर ना हो। अच्छा ठीक है, इतनी सेवा कोई आती ना तो किसी ने करी। एक ताऊ और बोलने लाग रहे। ताऊ राम राम। राम राम। कौन सा गांव है? मोखरा। मोखरा हाँ। फिर यो जो हो रहा था गांव से जो विधायक पूर्व विधायक को उठा दिया, गांव ने पूरा समर्थन दे दिया और आप दिया है? किसी ने समर्थन नहीं दिया है, बाकी हमारे किसी न्यू गए थे जहाँ कितने एक आदमी है, कोई समर्थन नहीं दे रहा क्या? अच्छा। और मैंने तो उस टाइम पहले भी बताई थी भाई दे किसी ने थोड़ी घनी मदद दे रहा की तो ठीक से ना तो साढ़े चार किले रह रही है भी बड़ा राग जाएगा। न्यू क्यों करता हूँ जब ब्योत तो कौन है इतना काम का? अच्छा, बड़ा सौदा ठा लिया। बड़ा ठा लिया, ब्योत तो कोई नहीं इतना। अच्छा, जब बाहर कन किए दे रखे पीछे तो वे ठीक से ला दे, अन्ना तो ब्योत नहीं है इतना बड़ा उसका। चलो चलो, एक 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 हमारे साथ एक साथी और है जो लगातार पूरे पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय और वायरल हो रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। कौन सा गांव है? मदीना गांव भाई। मदीना गांव बोर्ड तो तू मदीना का ठा रहा है, वोट मांगे बलराज कुंडू ही केरा सा है? कुंडू के मांगा है, कुंडू खाता शरीर सौंप रखा भी अपने तो शरीर सौंप दिया। हाँ, दान कर दिया। कति दान कर दिया? क्यों कर दिया? कर दिया वो समूह अच्छे काम करे बलराज कुंडू ने। कौन सा अच्छा काम करे? एक आधा गणा भी सारे करे के छोरिया कर बस चला दी, गरीबा की गरीब बेटिया में ब्याह शादी में सारा लगता है। फिर न्यू कहे हैं जो विपक्षी आदमी है जैसे आपके गांव से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, न्यू कहे सरकारी बस चलन लाई रही बेटियां तो उसमें भी जा सके हैं? उसमें नहीं जा सकते, सुविधा नहीं है। सारी सभी कुछ भी नहीं है जो कुंडू साहब ने चला रही उससे भाई भी पूरा लठा रहा है, पूरा झंडा बुलंद कर रहा है बलराज कुंडू का झंडा जिस प्रकार का आसमान में पहुंचा रहा है उससे तरीके से हम बेटे हैं उसके है? बेटा हूँ मैं उसका। और किसका बेटा है? बलराज कुंडू का बेटा हूँ मैं। गांव कौन सा है? मदीना। अच्छा हाँ जी, वो आगे नहीं बेटा तो बन गया, क्या खासियत नजर आई? नजर देख मारी बन बेटी बस में जावे है यही खास भाई। बहुत बड़ी बात है दर्शक साथियों, एक बसों के अंदर बेटियों का जाना और बेटियों की शिक्षा में सहयोग करना, ये चीज बलराज कुंडू को एक राजनीतिक रूप से बहुत ऊंचे उठाने का काम कर रही है और अलग दिशा में इस कार्य को लेके जा रही है, इस चुनाव को भी अलग दिशा में लेके जा रही है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग और है। राम राम। तो राम राम। कौन सा गांव है? मदीना गांव। सारे मदीना जा रहे हो? सारे मदीना। मदीना कोरसाण और आईडी प्रूफ है ये सारी आईडी है। फिर एक बात बताओ, वो जो गांव से आपका मतलब जो गांव से जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी है सारा मदीना उठ के आ गया, वो क्या करेगा? काफी साल हो गए उसको लड़ते हुए, हमने देख लिया कुछ निकला नहीं उसके अंदर से। अच्छा। हाँ, खाली सीट बुलाने से कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है प्रूफ। अच्छा, सबके ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने अपनी आईडी दिखा दी दीपचंद के ने। अब मैं मदीना गांव तो हूँ और ना कोई शक्कर रहा, क्योंकि पूरे गांव के जो बोर्ड ले रहे हैं ये जो भाई खड़े हैं बोर्ड ले रहे हैं, ये कहो है कि हम भी आईडी अपनी गल ले रहे हैं। तू क्या गैल बाज रहा गांव का इतना बड़ा राजनीतिक आदमी रहा? हम तो जो है समाज सेवक आदमी है बलराज कुंडू,
हरिवान सिंह है ना जो एक नंबर निकम्मा आदमी है। क्यों ऐसा किया, इन्होंने तो बहुत काम करे हैं। इतने काम पार्टीबाजी कर दी, आपस में भाई भाई आगे लठ बजवा दिए। अच्छा चलो, और भी कुछ साथी खड़े हैं। राम राम भाई। राम राम भाई, अपना कौन सा काम है? मदीना भाई। ले भाई, मदीना है मदीना हो रही है। फिर इलेक्शन किस चीज का सारा लड़िया जाएगा? सहमी आला का जब थाम बलराज का गल्ला सारे चाल पड़े तो भाई हम दो बलराज के गेल लिया। हाँ अगला घर बैठ जाएगा ना भी उतरा है दो। अच्छा खींच के ले रहे भाई। चलो एक ताऊ और आ गया भाई, ताऊ और आ गया भाई, डोगा ले रहा है। अरे एक ताऊ लठ ले रहा पूरा बड़ा ताऊ, किसे बांगड़े ठाई अंड हो ना 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 ताऊ, गलत बात नहीं ना, बिल्कुल सभ्य तरीका। आपके आपकी उम्र कितनी होगी? तो उम्र होगी 70 है। अर गांव कौन सा है? मदीना। मदीना तो आप मदीना गांव से हो, लगातार चल रहे हो, आपके गांव से बहुत बड़े राजनीतिक लोग भी रहे हैं। बलराज कुंडू में ऐसी क्या खासियत नजर आओ जो आप उसके साथ चल पड़े? समाज सेवी ज्यादा है जी। अच्छा बहुत ज्यादा है। और महाराणा न्यू है, अठन्नी भी तले पड़ जाए उसने भी ठास कह देख ली। फिर पीछे पड़ेंगे तो ठाया तो करे दो ना, धरती में और डाल भी ठास कहे हो। हाँ कई तरीके तो उठे पीछे। अच्छा हाँ हम उसके गेले थे चौटाला के टाइम में। ये 302 वाले हैं, ये खड़े दो आदमी। 302 मतलब अमीर सिंह हत्याकांड सुनिया था? नहीं हम तो बाढ़ के थे। हाँ मैम कांड गए उसके साथ ही है शाम। उसके गेल जो भी मदीने उसका जो सही आदमी था ना वो तो ये से जितने भी आनंद तंगी के लाग रहे उसका छोरे के ले वो सारे पद से गए हैं, 90% से गए। अगर उन्होंने 1-5% भी अगर पुराने आदमी होने तो मुद्दा गड़ा पानी भर। चलो हाँ फिर जुड़ गए, पक्के रूप से जुड़ रहे हो? तो हाँ पक्के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। तो राम राम भाई, बहुत सा काम है मदीना। ले भाई फिर मदीना इसका क्यों के करके मानोगे भाई? बढ़िया बिल्कुल बढ़िया काम करा भाई, समाज सेवी आदमी बढ़िया। लड़की कितने सारा सारा गोहांड में चक्कर काट के जाओगे? कल के रोड जा रहे थे, आज मोखरे माने खड़े। हाँ जी हाँ जी मोखरे में। हाँ जी बिल्कुल सर, हम जमा जी मोखरी भी इलेक्शन लड़े हैं, इन्हें भी छोड़ दियो। ये सर ये भी अपना हक लेंगे जी, हम भी अपना ले लिया जी। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ऐसा क्या खासियत है? तो आपने के अलग बसा दे नारी, मेरी बात सुनो जी, बसा दे नारी सब को संस्था हो, को समाज को खाड़ा हो, अखाड़ा हो जी, को और किमें संस्था हो, लड़कियां कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सही बढ़िया जी, सही बढ़िया। रुपये दे जी खूब जमा कती दानी है जी खूब, इन्हें कदे को पैसा नहीं दिया किसी में दे, किसी का घर माग लाग जाए उसके पैसे दे, किसी खेत जल जाए उसके पैसे दे। भाई भाई राम मेरी सुन, मतलब जो बलराज भाई साहब दानी ना इतना कोई दानी नहीं, जो जो दिख रहा है उपरला घाट भैंस दिख रही है, वहाँ एक गरीब आदमी के टावर के पास मकान होगा, महस बीमार थी डूब के मरगी, भाई साहब का आना हो गया उसी टाइम 31,000 रुपया हाथों हाथ देगा बूढ़ी हुई मतलब बीमार महस के। फिर एक जगदीश रोड के ऊपर उसकी 3 महस खुल गई, 3 महस खुलने पर उसने कंप्लेंट करी तो उसके 1.5 लाख करंटली कुंडू ने भाई साहब ने उसका गरीब दान कर दिए, गजब कर रहा है। ये कहना चाहते हो तो दर्शक साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार कैमरामैन भाई से कहूंगा दिखा दे कि ये पूरा मदीना गांव का एक पूरा जुलूस दर्शक साथियों आप देख सकते हैं, हाथों में बोर्ड लेकर और बलराज कुंडू के लिए मतदान की अपील करता है ये गांव मदीना का, एक पूरा हुजूम का हुजूम। राउंड किया था आज मोखरा में कर रहे हैं, अगला और दूसरा गांव करेंगे कल। मंडेर हो गए इतना चुनाव पूरा नहीं हो? बिल्कुल इतना जीत के दम लेंगे। ले भाई पूरा विश्वास है मंड रहे हैं, अगर बलराज कुंडू ने जिता के भेजेंगे वो तो आने वाला क्या भाई? इतना ना बलराज कुंडू जीत लेगा ना इतना हम रुका नहीं गए। सबत गांव ने ठा लिया, गैल ने भी इलेक्शन लड़नी होंगे। हमने तो यो ही मतलब है कि भगवान डा में भी बतावा कि भाई हम अपनी जीत निश्चित कर रहे हैं बलराज कुंडू की। तो दर्शक साथियों देख ले लगातार गुजर रहा है ये काफिला, जो मदीना गांव के जो निवासी हैं वो अपना अपने हाथों में बोर्ड लेके चल रहे हैं। और खासकर एक बात और बता दूं दर्शक साथियों कि इनके जेब में परमानेंट जो आईडी होती है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीजें लेके चल रहे, देख दिखा दिया ना कन्ने सब आईडी लेके चल रहे, कदे को न्यू का देख भाई मैं कितने और किसी गांव का था और मदीना का नाम लेके न मैं बोर्ड ठाई अंड होना, सारे आईडी कार्ड ले रहे हैं, लगातार मोखरा गांव में प्रचार कर रहे हैं। अब इनका प्रचार कितना सार्थक सिद्ध होता है ये तो आने वाली 5 तारीख को वोटिंग होगी और काउंटिंग 8 तारीख को होगी, उसी दिन पता चलेगा। आप सब दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।